राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम जी की। जी हाँ, शौर्य और शांति में समाहित संतुलन, श्री राम के नेतृत्व का सार। मानव सभ्यता के अस्तित्व के समय से नेतृत्व किसी नदी की तरह परिवर्तित और विकसित हुआ है। पशुओं के झुंड में नेतृत्व अक्सर जीवित रहने, चरगाहों की ओर मार्गदर्शन करने, शिकारियों से रक्षा करने और जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के बारे में होता है। दोस्तों हालांकि मनुष्य में नेतृत्व की अवधारणा विशेष रूप से राजस्व की अवधारणा मात्र अस्तित्व से परे है, यह एक संस्कृति के पोषण का प्रतीक है। जहाँ कमजोर और वंचित लोग एक लीडर, एक मुख की सुरक्षा में फलते फूलते हैं, यह विकास प्रकृति के मूल सिद्धांत मत्स्य न्याय से धर्म की स्थापना की ओर बदलाव का प्रतीक है। एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था जो न्याय, समानता, जवाबदेही, स्थिरता और हिंसा का न्यूनतमवाद जैसे अवधारणाओं का आधार है। प्राचीन ज्ञान में व्यक्त किए गए विचारों के विश्लेषण से आज के प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि और प्रेरणा मिल सकती है, और इन्हीं में से एक है रामायण। अयोध्या कांड में कहा गया है, राम धर्म के अवतार प्रसिद्ध और सदाचारी थे, सभी लोगों ने स्नेह करते थे और न्याय पूर्वक उनकी रक्षा भी करते थे। प्रबंधकों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में राम की कहानी आधुनिक शोध में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो समकालीन नेतृत्व के संदर्भ में उनके आचरण का विश्लेषण करती है। जब भी हम श्री राम के बारे में बात करते हैं तो हम उनके धनुष और शांत मुस्कान की कल्पना करते हैं। एक योद्धा के अनुशासन और एक परोपकारी अग्रणी की करुणा के बीच संतुलन, यह मुझे भगवान शिव और माता देवी शक्ति के बीच के संवाद का स्मरण कराता है, जो गहन ज्ञान का स्रोत है, जो सदियों से कहानियों पे महासागर यानी कथा सरिता सागर के रूप में प्रवाहित हो रहा है। ऐसे ही एक संवाद में शिव और शक्ति ने जीवन के विपरीत मार्गों, सन्यास और गृहस्थ, तप और यज्ञ यानी कि बलिदान और सामाजिक आदान प्रदान की सूक्ष्म अवधारणाओं पर चर्चा की है। तप जो अक्सर साधुओं द्वारा प्रसन्न किया जाता है, अनुशासन और संयम की आंतरिक अग्नि का प्रतीक है। यह भीतर की ओर एक यात्रा, आत्म प्राप्ति और अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण पाने की खोज, इसके विपरीत यज्ञ गृहस्थ के मार्गों का प्रतिनिधित्व करता है, जो बलिदान के कार्य और देने और प्राप्त करने के चक्र में निहित है। यह समाज के पोषण, सामूहिक कल्याण में योगदान और अंतर संबंध की मान्यता के सिद्धांत का प्रतीक है, जहां किसी के कार्य समुदाय के व्यापक हित के साथ सामंजस्य रखते हैं। इस गहन संवाद में इन दोनों रास्तों के बीच संतुलन की अवधारणा को अक्सर धनुष के रूपक के रूप में कल्पना या फिर प्रतीकात्मक किया जाता है। धनुष जो बलों के सामंजस्य की मांग करता है, लचीलापन और डोरी का तनाव पर केंद्रित है। यदि डोरी बहुत ढीली बांधी गई तो धनुष प्रभावी ढंग से तीर चलाने की अपनी क्षमता खो देता है। अतः तप और यज्ञ के बीच यह नाजुक संतुलन का एक राजा या लीडर के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है।
यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में है। यह कठिन विकल्प चुनने अक्सर प्रगति और स्थिरता के चौराहे पर खड़े होने की दुविधाओं और निर्णयों से गुजरने पर भी चर्चा करते हैं, जो सभी के भाग्य को आकार देता है। दिलचस्प बात यह है कि श्री राम अपने धनुष से इसलिए जुड़े हुए हैं कि पारंपरिक रूप से उनके वनवास के दौरान भी उनके कंधों पर धनुष रखा हुआ दिखाया गया है। सीता स्वयंवर के दौरान उन्होंने श्री शिव के दिव्य धनुष पिनाक को तोड़ा। उनका संबंध श्री विष्णु के सारंग नामक धनुष से भी है। तीरदाजी में उनके कौशल के लिए प्रसिद्ध जहां उनका तीर राम बाण अपना निशान कभी न चूकने के लिए प्रसिद्ध है, राम का नेत्र तप समान संतुलन और सटीकता से चिन्हित है। उनका शासन काल जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है, उसको धन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो समग्र विकास का पोषण करते हुए सभी विषयों के लिए समृद्धि, न्याय, निष्पक्षता का प्रतीक है। वह लगातार विरोधाभासी मूल्यों को अनुग्रह के साथ संतुलित करते हुए धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। यह कल्पना परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत की याद दिलाती है, जहां लीडर व्यापक भलाई के लिए व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार धनुष के साथ श्री राम का जुड़ाव महज तीरदाजी कौशल से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह एक नेतृत्व प्रतिमान को समाहित करता है। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी सी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।